हेलो एवरीवन, दिस इज़ ब्यूटी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग सेफ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं और शिवानी साथ में दोनों लोग पूजा कर रहे हैं अभी, आपको जैसा कि दिख रहा है। तो मैं अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी, बस मैं जैसे तैसे साड़ी पहन ली थी और साड़ी पहन के मम्मी बोली कि पहले तुम पूजा कर लो, फिर मंदिर भी जाना है, उसके बाद तुम अपना मेकअप वगैरह जो भी करना होगा करती रहना। तो मैं बस जल्दी जल्दी पूजा कर ले रही हूँ, उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए हैं मंदिर में। और मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ था बिकॉज आज है अष्टमी, आज है मेरा फास्टिंग, मेरा व्रत है। और ये देखो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है मंदिर में। तो गाइज, यहाँ पे कुछ मेरी फ़ैन मिल गई, लाइक मेरी फ्रेंड मेरे ही शहर से हैं, मेरे मतलब जैसे बगल में ही रहती, बगल में लाइक मतलब मेरे ही शहर में थोड़ा सा डिस्टेंस है इन लोगों का घर, वहाँ से ये लोग पूजा करने आई थी। ये हमारे यहाँ का फेमस मंदिर है बक्सर का, बुढ़िया काली माई का मंदिर। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पे मैं भी आई थी आज अष्टमी के दिन पूजा करने, एकम के दिन भी आई थी। तो आज अष्टमी के दिन कुछ ऐसा होगा मंदिर में, मैं सोची भी नहीं थी। और यहाँ पर आज बहुत लोग मिले मुझे, और फाइनली ये लोग वीडियो फोटो एंड कुछ शूट कर रहे थे, मेरे से बहुत सारी बातचीत भी हुई। आप लोग भी आएंगे ब्लॉग में? गाइज़, यहाँ पर मैं पूजा तो कर ली थी पहले ही, पूजा कर ली थी, उसके बाद सब लोग ये लोग वेट कर रही थी कि मैं पूजा कर लूँगी तो ये लोग साथ में मतलब फ़ोटो या फिर वीडियोज वगैरह लेंगे, बातचीत करेंगे मेरे से। तो फाइनली फ़ोटो वीडियोज यहाँ पर हो रहा है। अब आप लोग ये मत बोलना कि मंदिर में हम लोग ये सब कर रहे हैं, भाई मंदिर में पूजा पाठ हो गया है, बाकी थोड़ा सा अगर कोई साथ में मिल गया, कोई मेरे से बात करना चाहता है, कोई मेरे से साथ फ़ोटो लेना चाहता है, तो मुझे पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। और सबका बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मिलके। और फिर मैं साथ में फोटो वगैरह की बात की, वीडियो शूट हुआ, और कुछ इस तरीके से काफ़ी टाइम हो गया। मतलब आज ना 4-5 लोग मिले मुझे, वैसे तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन एक होता है ना कि जब लोग आपको उस तरीके से जाने कि हाँ आप वीडियो बनाती हैं ना, वही है ना, तो मतलब एक अलग ही फीलिंग्स आती है, अपनी वाली फीलिंग्स आती है कि चलो हाँ कुछ तो है। तो बस यहाँ पे एक और ये मैम मिल गई हैं। एक्चुअली ये मैं कभी इनसे फर्स्ट टाइम मिली नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ शायद ये टीचिंग की है, मतलब पढ़ाई है वहाँ पे, तो साथ में ये लोग एक दूसरे को जानते हैं, मैम की ये बेटी हैं। और पर्सनली इनसे तो मिलके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं सोची कि सबका मैं ब्लॉग बनाऊंगी, सबको कैप्चर करूंगी और ब्लॉग में डालूंगी, कि जो लोग भी बक्सर से हैं और मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उनके लिए थैंक यू दी।
तो बस इन लोगों से भी बातें चीतें हुई और फिर ये लोग जा रहे हैं, मैं भी थोड़ी देर में जाऊंगी। तब तक मेरी कुछ और भी जान पहचान के लोग मिल गए, और ये भी मेरी जान पहचान की हैं, इनके बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं और एक मैम की भाभी मम्मी हैं लोग। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को भी बता दे रही हूँ। खैर जो लोग यहाँ के होंगे और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे उनको तो पता ही चलेगा। तो यहाँ पर मेरा फ़ोटोशूट हो ही रहा था, उन लोगों के साथ ऐसी बातचीत हो ही रही थी, तब तक एक और फ़ैन मिल गए यहाँ पर, और ये लोग भी मेरी वीडियोज़ देखते हैं और मुझे जानते हैं। मतलब पर्सनली बता रही हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि माँ दुर्गा के मंदिर, माँ काली के मंदिर में सब लोग मिल रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि आप वीडियोस बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं, मैं देखती हूँ, पसंद करती हूँ। कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं आपसे इंस्पायर हुए, तो बहुत अच्छा लगता है पर्सनली कि चलो कुछ तो है। तो बस यहाँ पे इन लोग के साथ भी फ़ोटो वीडियो होगा और बातचीत होगी, फिर एक दूसरे को नंबर अगर देना होगा तो नंबर देंगे, हम लोग कॉन्टैक्ट में आएंगे। और हम लोग, सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लोग एक ही शहर से हैं सब लोग, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा सबका ब्लॉग शूट की हूँ, ताकि मैं ब्लॉग में ज़रूर डालूँगी इन लोगों को भी, इन लोगों को ब्लॉग देख के अच्छा लगेगा। अभी मैं पूजा करके आ गई हूँ घर और प्रसाद खा ली हूँ, और अभी मैं बना रही हूँ साबूदाने, और मैं, सिस्टर और मम्मी तीनों लोग फास्टिंग में हैं, और हम लोग अब जाके कुछ खाएंगे पिएंगे। और अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के बज गए हैं एक। सोच लो आज मंदिर में बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि पूजा से ज़्यादा बहुत लोग मिल गए थे, फोटो वीडियो होने लगा, सो लेट हो गया। इसलिए मैं अभी आके साड़ी चेंज कर ली, क्योंकि साड़ी पहन कर तो भाई बर्दाश्त नहीं होने वाला है, इतना तेज़ धूप निकला है। तो मैं पहले ये वाला सूट पहन ली हूँ, और अभी मुझे स्टिचिंग भी करना है, क्योंकि कल नवरात्रि में जो मुझे साड़ी पहनना है ना, उसका ब्लाउज स्टिच नहीं है, तो अभी जल्दी से स्टिचिंग करेंगे। और फिर आज एक साड़ी का कोलैब भी करना है जो सुबह में पहनी थी, तो मैं शाम में पहनूंगी उसको, फिर उसका कोलैब करूँगी। कुछ ऐसे भाग दौड़ हो जाती है। तो गाइज यहाँ पर छत पे सडनली बंदर आ गया था, और अथर्व को, और ये छोटी पीहू है, इसको देखो। मैं बोल रही थी यार तुम लोग अंदर जाओ, मंकी आ गया छत पे, लेकिन ये लोग जा ही नहीं रहे थे। तो अभी मैं छत पे हूँ, और आपको भी पता है हमेशा की तरह शाम में मैं रील शूट कर रही हूँ छत पे, और आज मैं पहनी हूँ ये बहुत ही सुंदर सी साड़ी। और इस साड़ी का मुझे कोलैबोरेशन करना था, जो कि फैशन फैक्ट्री के पेज से मुझे ये साड़ी रिसीव हुई है। जॉर्जेट, प्योर जॉर्जेट इसका फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लेना होगा तो आप प्लीज़ पेज को चेकआउट कर लीजिए इंस्टा पर, और जाकर ले सकते हैं। ये देखो मैंने खुद से इसका ब्लाउज स्टिच किया है, काफी खूबसूरत, और साड़ी भी बहुत अच्छी है। तो रील सूट हो गया है, आज हमारे यहाँ अष्टमी के यहाँ पे सिंगार होता है माता जी का, तो अभी साड़ी वगैरह चढ़ेगा, शाम का टाइम हो गया है, फिर हम लोग मंदिर जाएंगे एंड थोड़ा बहुत घूमेंगे। आज तो मेरा फास्टिंग है, मेरा व्रत है, अगर पतिदेव के पास टाइम रहा तो फिर थोड़ा बहुत चारों तरफ भी घूम लेंगे, नहीं तो फिर कल घूमेंगे। आज रात में मुझे ससुराल भी जाना है, तो बस जल्दी 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 मैं चलती हूँ नीचे। अथर्व आ जाओ, और मेरा काम हो गया है, मैं चलती हूँ नीचे और गेट। फिर जैसे ही शाम का टाइम होता है, तो हम लोग डेली अष्टमी तक, मतलब महावीर जी की और काली माँ का मंदिर है पास में ही, वहाँ पे हम लोग दिया जलाने आते थे, तो आज भी आए हैं। तो आज मेला तो लग गया है यहाँ पे दुर्गा पूजा में, आप देख ही सकते हो कितना भीड़ है, और खिलौने भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अथर बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था, मामा मुझे खिलौना चाहिए, बट ये समझ में नहीं पा रहा था मतलब कौन सा इसको खिलौना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे खिलौने कुछ ना कुछ तो घर पर रखे ही हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज था कि मम्मा कौन सा खिलौना लूँ कौन सा खिलौना, फिर जाके इसको एक हेलीकॉप्टर समझ में आया, ड्रोन वाला, रिमोट वाला, वही वाला लिया। तो अभी मैं दिया जला ली थी यहाँ पे, मेरी सिस्टर भी जला ली थी, उसके बाद मंदिर में से हम लोग आ गए थे खिलौने की तरफ इसके लिए लेने के लिए। हेलीकॉप्टर खरीदवा के लाया है, दिखा दो सबको, ये वाला हेलीकॉप्टर लाया है ये, अच्छा है ना बेटा, कितना बार बोल रहा है थैंक यू मम्मा, बहुत ज्यादा जीत किया, बहुत रोया हेलीकॉप्टर के लिए, तब मैं बोली चलो खरीद देती हूँ।
फिर पतिदेव फोन किए कि जल्दी से रेस्टोरेंट में आ जाओ, कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं। तो दो तीन लोग तो मिलने के लिए आए थे लेकिन मैं मिल नहीं पाई, सॉरी उन लोगों के लिए। लेकिन ये जो है रेड साड़ी में आपको दिख रही है मैम, इनसे मैं मिली और ये वेट कर रही थी, इनके जाते जाते टाइम तक मैं आ गई थी। एक्चुअली मैं पहले ही आने वाली थी लेकिन मेरा फास्टिंग था और मंदिर में थोड़ा सा लेट हो गया, इस वजह से मैं यहाँ पर जल्दी नहीं आ पाई। बट कोई नहीं, फिर मैं आई तो मैं इनसे मिली और इनके साथ भी हमारा फोटो वीडियो शूटिंग हुआ। बहुत अच्छा लगा इनसे मिल के, पर्सनली सबसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा आज। आप जाओ नानू को दिखा दो। आगे वाला डिस्पोजल प्लेट गिलास आया है आज, कहीं मत भेजा है। और अब यहाँ देखो बिट्टू भी आ गई है अपने चाचू के साथ और अथर्व और बिट्टू की मस्ती चल रही है क्योंकि बिट्टू आई है मेरे ससुराल से और मैं और अथर्व को लेके आई थी मायके से। तो आई होप गाइज आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एवरी वन, बाय, लव यू।